उसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के जखाऊ से टकराया विपक्ष द्वय। अहमदाबाद कच्छ के इलाकों में तेज बारिश, तट से टकराने के बाद कम हुई हवा की स्पीड। तो जब तट से टकराया जखाऊ तो फिलहाल हवा की स्पीड जो है वो काफी कम हो गई है, लेकिन आधी रात तक लैंडफॉल जो है वो होता रहा। और इस बीच जब ये लैंडफॉल हो रहा था तो हवा की स्पीड बहुत ज्यादा थी। कई ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरह से उखड़ गए हैं, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, क्योंकि जब इतनी स्पीड में हवा चलती है तो काफी ज्यादा नुकसान होने का अनुमान पहले से ही जताया जा रहा था। देखिए, जमीनी स्तर पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है अब वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, जहाँ पर पेड़ उखड़ गए हैं, जहाँ पर रास्ता बंद हो गया है, उसे खोलने की कोशिश जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें आपको गुजरात से दिखा रहे हैं, अहमदाबाद के कच्छ, जहाँ पर जो भूकंप, जो साइक्लोन जहाँ पर जखाऊ में टकराया और फिर उसके बाद आधी रात तक ये लैंडफॉल जो है वो होता रहा। और इस बीच किस तरह से इस बारिश हुई और इस कदर बारिश हुई कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई जगह पर हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज भी ये कहा जा रहा है कि जो दक्षिणी गुजरात है वहां पर काफी ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है, तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये छह तस्वीरें देखिए जरा, तट से टकराया विपक्ष जो है, शहर शहर तबाही का मंजर जो है, शहर शहर तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं में ने मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं और फिर राहत का काम करने में यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कच्छ की स्थितियां देखिए आपको, सड़क पर पेड़ उखड़ा हुआ नजर आ रहा होगा और जामनगर जहाँ पर फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी गई थी, सिर्फ इमरजेंसी फ्लाइट्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब आज के बाद से हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कैसे शहर शहर दहशत का मंजर जो है कल गुजरात के लोगों ने देखा, किस हालात में कल पूरी रात जो है वहां के लोगों के लिए गुजरी है, क्योंकि बहुत ही गंभीर स्थितियां थी। क्योंकि जो लैंडफॉल का समय है उसके बढ़ जाने से ये कहा जा रहा था कि तबाही ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जानमाल को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। और कहा जा रहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में जरूर एडमिट कराया गया है, लेकिन किस तरह से शहर शहर दहशत का मंजर जो है वो रहा है और क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसको लेकर आगे आप तक जानकारी हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और साथ ही एक्सपर्ट से जरा हम समझेंगे अब राजस्थान में क्या स्थितियां बन सकती हैं, गुजरात से सटा हुआ जो राजस्थान का एरिया है वहां पर क्या हालात जो है वो अब देखने को मिल सकते हैं। पीएस तहकर पर्यावरण विषय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएस तहकर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल मिडनाइट तक जिस तरह से लैंडफॉल हुआ, अभी क्या कुछ नुकसान की आशंका जताई जा रही है और गुजरात में स्थितियां कब तक सामान्य होंगी? देखिए, लैंडफॉल कल रात को लगभग 11:55 को हुआ, मीन्स 12 बजे जखो के पास। अभी ये आगे बढ़ रहा है, ये इंडिया ब्रिज होके कच्छ के रण में नगर पार कर बॉर्डर के पास लगभग 992 बीओपी के पास पहुंच रहा है। अभी अभी का सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी कच्छ में ज्यादा बारिश हो रही है, साउथ गुजरात में भी बारिश हो रही है, मध्य गुजरात में भी बारिश हो रही है, नॉर्थ गुजरात में भी बारिश हो रही है। कई जगह 1.5 इंच से लेकर 8 इंच तक बारिश हुई है। गांधीधाम में 8 इंच जितना पानी गिरा है। रोड भी भर गए हैं और कच्छ का रण भी पूरा भर गया है। नड़ाबेट के पास जो रण का बड़े रण का एरिया है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ का, वो मोस्टली समुद्र जैसा हो गया है। और पेड़ बहुत गिरे हैं, बीच के खंभे गिरे हैं, ये टेलीफोन के खंभे भी गिरे हैं। ये सब तो होने वाला ही था जी। लेकिन जो जीरो डेथ के जो हमने ये रखा था एम, वैसे डेथ बहुत कम हुई है। पेड़ गिरने की डेथ हुई थी, इतना रिपोर्ट मिला था। ठीक है पीएस तहकर जी, लेकिन अब क्योंकि साउथ गुजरात में अभी भी बारिश हो रही है, वहां हालात कब तक सामान्य होने की स्थितियां नजर आ रही हैं? और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर राजस्थान के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस विपर्जॉय तूफान का असर देखने को मिल सकता है, वहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है? राजस्थान में बाड़मेर, पाली, सांचौर, जालौर,
ये एरिया में बारिश भी होगी और धूल के डमरी मीन्स आंधी सैंड का तूफान भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात में स्थितियां अभी किस तरह से बताई जा रही हैं, क्या तेज हवाएं अभी भी वहां पर चल रही हैं और लगातार अगर इस तरह से तेज हवाएं चलेंगी तो और ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? कल रात को लेके के बाद अब स्थितियां कितनी सामान्य बताई जा रही हैं? देखिए, जब आई पास हो जाती है साइक्लोन की जी, उसके बाद 5 घंटे तक तो शांति जैसा रहता है, लेकिन चक्रवात है उसका जो बाकी का एरिया है वो जब तक पास नहीं हो जाएगा तब तक ये तेज हवाएं चलती रहेगी और बारिश होती रहेगी। जब तक साइक्लोन की हवा में भेज है, पानी है, तब तक। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गांधीनगर से 22 लोग यहां पर घायल हुए हैं, 524 पेड़ गिरे हैं। गांधीनगर के 940 गांव में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। कच्छ में कई जगह पर पेड़ बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। कच्छ और सौराष्ट्र में हवा की रफ्तार लगभग 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। तो अभी भी राष्ट्र के कई इलाके जहां पर बिजली गुल है, कच्छ और सौराष्ट्र में हवा की रफ्तार अगर हम बात करें तो 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कच्छ में स्थितियां सबसे ज्यादा गंभीर रही क्योंकि जखाओ कोट से ये जो साइक्लोन है वो टकराया और उसके बाद किस तरह से रफ्तार के साथ हवाएं वहां पर चलती रही और अभी भी 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चल रही है। पीएलसी क्योंकि कच्छ की अगर हम बात करें, जखाओ से जब ये टकराया तो आपकी तरफ से अभी जानकारी दी गई है कि जो आई वॉल है वो तो पास आउट हो गई है, लेकिन क्लाउड वॉल अभी भी वहां पर है। कब तक ये पास आउट होगा और कब तक इसी तरह से हवाएं जो है वो तेज रहेंगी? देखो, जब तक ये पूरा साइक्लोन चक्रवात का आउटर एरिया खत्म नहीं होगा जी, ये पूरा घेराव था 6000 किलोमीटर जैसा था, तो ये आज और कल हो सकता है ये पास हो जाए। 17 के बाद मैं मानता हूं कि परिस्थिति शांत होनी चाहिए। अभी तो पवन चलता रहेगा, बारिश होती रहेगी, लेकिन जो तैयारियां पहले से की गई क्योंकि हमने देखा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात थी जमीनी स्तर पर और किसी भी तरह की स्थितियां से निपटने के लिए यहां पर नजर जो है वो रखी जा रही थी, वॉर रूम बनाए गए थे। इन तैयारियों का कितना फायदा मिला है, क्या नुकसान जो है वो कम हुआ है जितना आकलन किया जा रहा था? देखो, मैं ये मान रहा था कि जब हम तैयार होते हैं तब साइक्लोन बिखर जाता है, क्योंकि इसमें पहले शायद 2018 या 19 में जब गवर्नमेंट पूरी तैयार थी तब वो बिखर गया था। तो इस बार भी ऐसे लग रहा था कि शायद बिखर जाए, लेकिन जो इंटेंसिटी से वो आने वाला था वो कम हो गई, ये वीक हो गया और बारिश और तेज हवाएं चल रही है, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। गवर्नमेंट की ओर से एसडीआरएफ एनडीआरएफ साइक्लोन वार्निंग सेंटर की ओर से भी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, और मैं तो सोच रहा हूँ ऑल मीडिया, अलग अलग मीडिया के जब रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पर सब जगह रहे तो ये सब तैयारियां तो हम गवर्नमेंट ने पूरी तरह की थी और उसका फायदा हमें जरूर मिला है। लेकिन अगर आने वाले मानसून की बात करें तो बिपरजॉय का क्या मानसून पर भी असर पड़ सकता है? हाँ, मानसून पर असर पड़ सकता है, लेकिन मैं तो ये मान रहा हूँ कि शायद ये मानसून की शुरुआत हो गई है, तो ये अभी मानसून ही है ऐसा हम बोलेंगे तो चलेगा। मैं आपको बताऊँ, एक हमारे यहाँ संदेश की ओर से एक पंचांग निकलता है, उसमें अक्टूबर नवंबर में दीपावली के टाइम पर जो ये फोरकास्ट किया था कि 14 से 16 जून तक सौराष्ट्र कच्छ में बारिश होगी और सौराष्ट्र में चक्रवात आएगा, तो ये मैं तो ये मानता हूं कि मानसून की शुरुआत ही लग रहा है और मानसून अभी डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन पीएससी क्योंकि राजस्थान की तरफ अब ये बढ़ रहा है और कौन कौन से, मैं आपसे पहले ही समझ चुकी हूँ कि क्या स्थितियां वहां पर देखने को मिलेंगी। जो हालात हमने गुजरात में देखे, जो हवा की स्पीड हमने कच्छ में देखी, सौराष्ट्र में देखी, क्या उसी तरह से इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान के जिलों पर भी होता हुआ नजर आएगा क्या?
राजस्थान के जिलों में इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन राजस्थान के जिलों में बारिश जरूर होगी और आंधी तूफान हो सकता है। आपको क्या खबर मिली है, गुजरात के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ वाली स्थितियां हैं या फिर हालात इस कदर बढ़ गए, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था, घरों को कितना नुकसान पहुंचा है अगर हम तटीय इलाकों की बात करें तो? तटीय इलाकों में जो कच्चे घर थे या टिन शेड वाले थे वहां थोड़े बहुत नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन रिपोर्ट तो इतना ज्यादा नहीं मिला है, 1-2 घर कहीं गिरे ऐसा ही आ रहा है रिपोर्ट। अभी धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि कच्छ में कल रात तो बिजली रही नहीं है, गांधीधाम में 8 इंच बारिश हुई, भुज में 6 इंच बारिश हुई, रोड पर सब जगह पानी भर गया है, राधनपुर थराद रोड पूरा पानी में है, और ये जो नड़ाबेट का एरिया है वो पूरा रण का एरिया पानी से भरा हुआ है, तो पानी बहुत गिरा है नॉर्थ गुजरात में पाटण। आने वाले कितने दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है गुजरात की अगर हम बात करें तो? बारिश 2 दिन तक तो रहेगी, तो उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? मैं ये मानता हूं कि 2 दिन में स्थिति सामान्य होनी चाहिए। ठीक है, पीएस सहकर जी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 दिन तक अभी बारिश का सामना जो है वो गुजरात के लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब बारी गुजरात की है, क्योंकि अब बारी गुजरात के बाद अब राजस्थान की है, गुजरात से जो ये कहा जा सकता है कि अब साइक्लोन जो है वो पास हो चुका है, आई वॉल कम से कम पास हो गया है जिस तरह से पीएस साहब ने हमें बताया, लेकिन अब राजस्थान में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या वहां पर बारिश होना शुरू हो गई है? देखिए, बाड़मेर और जालौर में आज मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर देर रात बारिश हुई थी, देर रात आधे राजस्थान में बारिश हुई थी, जिस तरह से 3 संभाग जो राजस्थान के हैं, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर, इन 3 संभागों में तूफान का असर होगा। देर रात कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, अभी भी जो तेज हवाएं वो राजस्थान के कई इलाकों में चल रही है, अमूमन इस वक्त धूप अपने प्रचंड रूप में होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप थोड़ी कम है। साथ के साथ देखिए, जैसलमेर के कुछ इलाकों में आइडेंटिफाई किया गया है कि इस इलाकों में पानी भर सकता है, वहां से लोगों को हटाया गया है, करीब 100 से अधिक परिवारों को शिफ्ट किया गया है, साथ के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं वो कैंसिल की गई है, जो लोकल ट्रेन जैसलमेर के इलाके में चलती थी उनको, जोधपुर के इलाके में चलती थी उनको कैंसिल किया गया है, साथ के साथ कुछ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम थे उनको भी कैंसिल किया गया, उनको शिफ्ट किया गया, और 2 से 3 दिन तक ये असर रहेगा राजस्थान में। मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि 2 से 3 दिन तक राजस्थान के जो जैसलमेर का इलाका है, जालौर के इलाके हैं, वहां पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तमाम जो जिला प्रशासन की ओर से ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां पर बारिश हो सकती है, जलभराव की स्थिति हो सकती है, उन चीजों को पहले से संभाला जाए, तमाम टीमें वहां पर, जो राहत बचाव की टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। साथ के साथ देखिए, जैसलमेर में जो परिवारों को शिफ्ट किया है उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाया गया है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी सावधानी बरती गई है, जो झीलों में जो सैलानी आते थे, नावों से जो झीलों में घूमते थे, उन तमाम नावों को वहां से हटा लिया गया है। माउंट आबू में देर रात जब बारिश आंधी तूफान आया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो नुकसान माउंट आबू में देखा गया है, कुछ पेड़ माउंट आबू में गिरे हैं, और अभी भी मौसम हालांकि सामान्य है लेकिन हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 70 से 80 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हाल फिलहाल जरूर स्थिति सामान्य है लेकिन देर शाम तक इसका असर दिख सकता है, और देखिए जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा था कि आज और कल इसका असर राजस्थान में दिखेगा, तो कहीं ना कहीं इतनी प्रचंड हालात राजस्थान में नहीं होंगे जिस तरह से गुजरात में थे, लेकिन जो गुजरात से सटे हुए जो राजस्थान के इलाके हैं हो सकता है वहां पर ज्यादा प्रकोप इस तूफान का नजर आए। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी। विष्णु, हमारे साथ पीएस तहकर जी भी बने हुए हैं। पीएस तहकर जी, क्योंकि अगर इस विपरजॉय तूफान के बारे में आपसे समझना चाहे, कितना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था, बाकी तूफानों से कितना ज्यादा नुकसान होने की आशंका जो है वो जताई जा रही थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात थी, अब जितना आकलन किया जा रहा था उस हद तक नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। जरूर, आज तक के जितने साइक्लोन आए हैं वो मोस्टली 8 दिन जैसे रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ये साइक्लोन शायद 9-10 दिन रहा, 6 तारीख से शुरू हुआ था, आज 16 तारीख हो गई, अभी भी
इसका इफेक्ट है, और इसका ये बहुत स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन बीच में एक जगह 24 घंटे स्टेडी हो गया था, तो उसकी वजह से भी शायद वीक हो गया हो, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और जो हम सोच रहे थे कि ज्यादा नुकसान करेगा, उतना नुकसान हुआ नहीं, और गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए थे, लो लाइंग एरिया से लोगों को हटाया, पशु धन को भी हटाया, और पूरी तरह से सब तैयारी थी, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी रेडी थे, SDRF NDRF टीम रेडी थी। तो मैं मानता हूँ कि जो नुकसान हम सोच रहे थे कि ज़्यादा नुकसान होगा, इतना होगा नहीं, लेकिन इतना जो पानी गिरा है और हवा तेज चल रही है, तो पेड़ गिरे हैं, रास्ते में रुकावट हो गई है, रास्तों में पानी भी भर गया है, और अभी तो एक दो दिन के बाद पता चलेगा कि रण का पानी कहाँ तक आगे जा रहा है या कैसे क्या नुकसान किया है, वो तो आज शाम तक मैं मानता हूँ कि पता चल जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं आज शाम तक स्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जरा अगर हम बिपरडॉय की बात करते हैं, आई वॉल क्या है और साथ ही वॉल क्लाउड क्या है, इसको आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल लगभग 6 या 7 बजे के बीच ये कहा जा रहा था कि आई वॉल जो है वो कच्छ में एंटर कर गई है, और फिर उसके बाद वॉल क्लाउड, क्योंकि जो लैंडफॉल का समय है वो काफी ज्यादा लंबा हो गया, इसीलिए ये जो तूफान है वो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा था क्या? नहीं, लैंडफॉल जो डिले हुआ उसके वजह से वीक हुआ, तभी वो डिले हुआ है। ये आई वॉल जो है, जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है सी सरफेस पर, जहाँ गर्मी जहाँ बढ़ जाती है 25-26 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो चारों ओर से हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं, तो वहाँ एक स्ट्रॉम जैसा क्रिएट होगा और वो पानी को ऊपर ले जाएगा। ये धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा, वैसे ऊपर क्लाउड होते रहेंगे, और चारों ओर से जितने विंड आते जाएंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है, जिस साइड में इसको डायरेक्शन मिलता है, लो प्रेशर मिलता है, उस साइड में आगे बढ़ता है, और इसके चारों ओर जितना विंड सर्कल होता है, उसका घेरा होता है, तो उसमें पानी जमा होता रहता है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते बाद में जब लैंडफॉल होता है तो बारिश गिरना शुरू होता है। जी चलिए, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ विष्णु भी जयपुर से हैं। विष्णु, क्योंकि जयपुर में प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, और क्या वहां पर भी लोगों को दूसरे और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है? देखिए, जैसलमेर के कुछ इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बैठक तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की ली थी, उसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, सभी कलेक्टर्स को डायरेक्शन दे दिए गए थे कि तमाम जो इलाके हैं जिसमें तूफान आने की आशंका है, उन तमाम इलाकों में इंतजाम किए जाएँ और तमाम टीमों को वहाँ पर तैनात किया जाए। इसलिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से राजस्थान का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन था, वो तैयार था। मौसम विभाग की ओर से अभी अभी फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मैं उन शहरों के नाम आपको बता देता हूं जिन शहरों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, इन तमाम जिलों में, इन आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। जो आसमानी बिजली है वो भी गिर सकती है, और तेज बारिश का अंदेशा मौसम विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। देखिए, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, कई जगहों पर जो जरूरी इंतजाम करने थे, जो जहां पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, माउंट आबू जैसी जगह हो गई, उदयपुर जैसी जगह, इन तमाम चीजों पर पहले से सख्ती बरती गई है। उन तमाम चीजों को वहां से हटाया गया है। जो बोट्स थी झीलों में, जो बोट्स चलती थी उदयपुर में, उनको 2 दिन पहले ही हटा लिया गया था। और जहां जहां तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां वहां प्रशासन कड़े तौर पर निगरानी तमाम चीजों पर रखा हुआ है। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि जहां नुकसान हो सकता है, जहां जलभराव की स्थिति बन सकती है, उन तमाम चीजों को आइडेंटिफाई किया गया। और साथ के साथ जो ऐसे लोग, ऐसे घर है जहां पर पानी भर सकता है, उन लोगों को भी शिफ्ट किया गया। क्योंकि देखिए, जो जैसलमेर का जो इलाका है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि रेतीला इलाका माना जाता है, वहां अमूमन इतनी बरसात नहीं होती है। इसलिए जब बरसात का अंदेशा वहां लगाया जा रहा है, तो वहां ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा इंतजाम किए जाएं, चीजों को ज्यादा बारीकी से देखा जाए, क्योंकि